हेलो, आज हम बना रहे हैं हाई प्रोटीन स्वीट चीला। इसके लिए हमने लिया है चने की दाल को सोख करके रखा था और उसे हमने अच्छे से पीस लिया है। और उसके साथ ले रहे हैं हम गुड़। गुड़ आप उतना यूज़ कीजिएगा जितना मीठा आपको पसंद है। ये काफ़ी एनर्जेटिक फूड है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आपको स्वीट चीज़ें कुछ खाने का मन करे, क्रैबिंग होए, तो आप इसको बना के खा सकते हैं। और ये खाने के बाद काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको एक्सरसाइज करने में काफ़ी मददगार साबित होगा और ये आपके मसल्स को भी बिल्डअप करेगा। बिकॉज़ ये चना दाल है, मैंने बेसन यूज़ नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो येल्लो कलर का चने का दाल आता है उसको सोख करके रख लीजिए और जब वो फूल जाए तो उसे अच्छी तरीके से पीस लीजिए और उसके बीच गुड़ मिला लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर ये बैटर आपको ज़्यादा थिक लगे, थोड़ा इसमें आप मिल्क ऐड कर लीजिए ताकि इसकी थिकनेस थोड़ा कम हो जाए और स्मूथ बेस बन जाए। और आप चाहे तो इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके। ये काफ़ी अच्छा हेल्दी स्नैक है, ये आपका वेट भी बढ़ने नहीं देगा और आपकी मिठाई की इच्छा भी पूरी कर देगा। अब हम एक पैन को गरम करेंगे, उस पे घी, थोड़ा सा हल्का सा घी लगा लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लगाएंगे बिकॉज ही अनहेल्दी हो जाएगा। हल्का सा ताकि चिपके ना, बस जब घी अच्छे से हो जाए उसके बाद आप इस बैटर को डालिए इस पे। अब हम बैटर को अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे। ये देखिए, तो ऐसे चला लेंगे, जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से बनाइए आप। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी है और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। उनके लंच वगैरह में भी आप इसे प्रिपेयर करके दे सकते हैं। जो बच्चे लंच खाते नहीं हैं और फिर स्कूल से वैसे ही आ जाते हैं, स्वीट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको आप दे सकते हैं और इससे बच्चों का माइंड को भी ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाएगा। बिकॉज शुगर खाना आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। अब इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, जब ये अच्छे से पक जाए फिर इसको हम पलट देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। ये मेरा है ना? अब दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और आप चाहे तो घी अवॉइड भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी हल्का हल्का सा। बस ये काफ़ी हेल्दी है, आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, ये आपके ओवरऑल बॉडी को काफ़ी शक्ति प्रदान करेगा। लाइक दैट प्रोटीन शेक आप 1 ग्लास मिल्क लीजिए और उसके साथ एक ही चीला खा लीजिए। ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पे भी आप ले सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसको ले रहे हैं। और आपको पता ही होगा देसी घी खाने का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। हल्का सा 1 स्पून अगर घी आप रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, इससे आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं, अदरवाइज आप किसी दाल वगैरह में, सूप वगैरह में डाल के भी घी ले सकते हैं। रिफाइंड वगैरह का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। रेडी है, ये देखिए ये बन के रेडी हो गया है। इसे ट्राई कीजिए और देखिए कैसा है, आपको अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी
अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।